dear students, Yusuf Raza is here. Today I am going to discuss chapter number 7, that is the kingdom protista. और किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं, और हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स और उनके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस किया. उसके वेरियस एग्जांपल्स भी हमने जो है वो पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है, दैट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से हट के अब हम आगे मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास जो चीजें शामिल हैं, दैट आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में जो चीज है दैट इज द एलजी. आज हमने डिस्कस करना है किस चीज को, एलजी को डिस्कस करना है जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर शामिल है. अब एलजी में अगर हम बात करें तो इनमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हम इनको कह रहे हैं. तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. अगर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर मौजूद हैं, देन हम कह सकते हैं कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलते जुलते हैं, तभी हम इन्हें प्लांट लाइक कह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. जब वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली अपनी एनर्जी को खुद प्रिपेयर करते हैं. तो इनके अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है बड़ी कि ये अपनी एनर्जी को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है. और ये जो एलजी है ये प्लांट से थोड़ी जो है वो डिफर भी करती है. उसकी रीजन ये है कि अगर हम प्लांट की बॉडी की बात करें तो प्लांट की बॉडी में जो एम्ब्रियो बनता है प्लांट की बॉडी में वो क्या होता है, वो बेसिकली प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है. वो प्रोटेक्टेड होता है, वो इनकी बॉडी में बाकायदा तौर पर उस ओव्यूल को, वो जो सीड अंदर मौजूद है बड़ा, उसे क्या किया जाता है, बाहर से इंटेगुमेंट्स मौजूद होती हैं बड़ी, कवरिंग मौजूद होती हैं बड़ी, वो इसे क्या कर रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम एलजी की बात करें तो एलजी में एज सच ऐसा नहीं होता. एलजी की बॉडी में अगर हम इनकी बात करें तो इनकी बॉडी में जो एम्ब्रियो है वो बेसिकली Not protected. वो protected नहीं होता, उसमें protection जो है वो मौजूद नहीं होती, उनमें protection का process जो है वो मौजूद नहीं होगा, ठीक है. वो बाहर से किसी किस्म की covering के अंदर जो है वो protected नहीं होता. तो ये जो main difference है ये यहाँ पर मौजूद है बड़ा कि इनमें plants में जो embryo है वो basically क्या होता है बड़ा, वो protected होता है बड़ा, जबकि एलजी के अंदर जो एम्ब्रियो है दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है. एलजी की हम बात करें तो एलजी यूनिसेलुलर भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है. जो यूनिसेलुलर है वो सिंगल सेल के ऊपर मुझे तो मिला, और जो फिलामेंटस हो सकती है वो लंबी चेन्स जो है वो बनाती है. तो फिलामेंट्स जो है इनमें डिस्टिंक्ट वासे क्लियर सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं बड़े, ठीक है. हमें क्लियर से सेल्स जो है वो नजर आते हैं क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स को अरेंज करके लंबी चेन्स की फॉर्म में अपने आप को जो है वो अरेंज करती जाएंगी, और इससे ये फिलामेंट लाइक अपीयरेंस जो है वो दिखाएंगी, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है. मीन्स हम ना यूं कहते हैं कि फिलामेंट में ये एलजी जो है ये हो जाती है मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है. तो इनमें ये मल्टी न्यूक्लिएट जो है वो प्रोसेस आ जाता है, मींस के इनमें जो फिलामेंट बनता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो अरेंज होते जाते हैं, और फिलामेंट लाइक इन्होंने स्ट्रक्चर जो है वो बना देना होता है. इस तरह से मल्टी सेलुलर भी हैं बड़ी, इनमें कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर अरेंजमेंट जो है वो शो करती हैं. इसी तरह जब ये मल्टी सेलुलर अरेंजमेंट शो करती हैं इनमें मेनली ये देखा गया है कि अपने आप को लीफ लाइक सेल्स के अंदर जो है अरेंज करती जाती हैं. ऐसे लगता है कि लाइक एक लीफ सा मौजूद हो पड़ा, लीफ लाइक सेल के अंदर अपने आप को यूं जो है वो अरेंज कर देंगे, ठीक है. तो जब ये इस तरह से लीफ लाइक इनका जो सेल्स की अरेंजमेंट बन जाती है तब हम इसे ये हम कहते हैं कि ये मल्टी सेलुलर सी अरेंजमेंट इन्होंने बनाई हुई है. तो इनमें एक स्ट्रक्चर सा बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ थैलस, इसे हम थैलस का नाम देते हैं. बेसिकली थैलस क्या होता है, थैलस एक ऐसा फ्लैट सा स्ट्रक्चर है बड़ा, एक ऐसा फ्लैटेंड बॉडी है, ठीक है, जिसके पास ना तो किसी किस्म के ट्रू लीफ होंगे, इसमें ना तो ट्रू लीफ होते हैं, ठीक है, ना ही इसके पास ट्रू रूट होती है, ना ही इसके पास ट्रू शूट होती है, ठीक है. इनके पास ये चीजें जो है ये मौजूद नहीं होती. ट्रू लीफ हो गए,
रूट हो गया या फिर जो है ये शूट हो गया, ये जिस बॉडी के पास क्या हो एब्सेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थैलस। ठीक है, ऐसी फ्लैट बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, थैलस का नाम। थैलस बेसिकली क्या है, फ्लैट बॉडी है पड़ी जिसके पास ना तो ट्रू लीफ है ना ट्रू रूट्स है पड़ी, ना ट्रू जो है वो स्टेम या शूट वगैरह मौजूद है पड़ी। इनके पास जाइलम और फ्लोएम भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। जाइलम और फ्लोएम भी इनके पास क्या है पड़ी, वो भी इनके पास एब्सेंट है, वो भी इनके पास मौजूद नहीं है। तो इनके पास ना तो ट्रू लीफ है ना ट्रू स्टेम है रूट है, जाइलम और फ्लोएम भी एब्सेंट है। ऐसी फ्लैटेंट सी चिपटी सी बॉडी को हम किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द थैलस, हम इसे थैलस का नाम देते हैं। तो मेनली इनके अंदर देखा गया है जो ये एल्जी है इनके पास जो है वो क्लोरोफिल ए मौजूद है पड़ा, क्लोरोफिल बी भी पास स्पीशीज के पास है पड़ा, येलो टू ऑरेंज पिगमेंट्स हैं पड़े, कैरोटीनॉइड्स हम इन्हें कहते हैं। तो ये कुछ पिगमेंट्स मौजूद हैं पड़े जो कि इन्हें ये अपेयरेंस दिखाते हैं कि ये किसकी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। हम इनकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं, क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमने इसे क्या किया है, वेरियस ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। लाइक यूग्लिनोफाइटा है, पायरोफाइटा है, राइसोफाइटा है, फाइटा है, रोडोफाइटा है और क्लोरोफाइटा है। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं पड़े जिनके अंदर हमने इनको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ये मौजूद है पड़ा कौन सी चीज, यूग्लिनोफाइट। इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारे पास है पड़ा पायरोफाइटा, और इसी तरह से तीसरे नंबर पर हमारे पास है पड़ा क्राइसोफाइटा, इसी तरह से हमारे पास ये चौथे नंबर पे मौजूद है पड़ा फायोफाइटा, और इसी तरह से ये पांचवे नंबर पे हमारे पास मौजूद है पड़ा रोडोफाइटा, और ये सिक्स नंबर पे हमारे पास मौजूद है पड़ा क्लोरोफाइटा। तो यूग्लिनोफाइटा की बात करें तो यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनाइड्स इनको कॉमन नेम हम इनका ये बुलाते हैं, दैट आर आल्सो कॉल्ड एज यूग्लिनाइड्स, ये इनके कॉमन नेम है। ठीक है, ये इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो ये हैं। ठीक है, हम इन्हें यूग्लिनाइड्स भी बुलाते हैं, यूग्लिनोफाइटा। ये यूनिसेलुलर होते हैं सेल टाइप में इस तरह के, इसी तरह इनके पास दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं बड़े। हाँ, इनमें एक चीज यूनिक सी है कि इनमें जो दो फ्लैजेला होते हैं उनमें एक फ्लैजेला एक जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है फ्लैजेला, जबकि जो सेकेंड होता है वो क्या होता है, लार्ज फ्लैजेला। ठीक है, एक स्मॉल होगा फ्लैजेला और एक इनके पास लार्ज फ्लैजेला मौजूद होता है पड़ा। इसी तरह से ये इनमें थोड़ा सा यूनिक जो है वो चीज हमें देखने को मिलती है। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स ये पिगमेंट्स मौजूद हैं पड़े, और इसकी एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल में शामिल है यूग्लिना, यूग्लिना इसकी एग्जांपल के अंदर शामिल है। यूग्लिना जो है हम देखते हैं, यूग्लिना को जब हम पढ़ते हैं तो वो किस में आता है, यूग्लिनोफाइटा में। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज द फायरोफाइटा, तो इनकी अगर हम बात करें तो डायनोफ्लैजेलेट्स इनकी एग्जांपल्स में शामिल हैं पड़े। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दो फ्लैजेला इनके पास मौजूद होते हैं पड़े, क्लोरोफिल ए है पड़ा, क्लोरोफिल सी है पड़ा, और फुकोजैंथिन पिगमेंट मौजूद है पड़ा, जिसकी मदद से ये क्या कर रहे होते हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और इनमें जो एग्जाम्पल हमारे पास शामिल है उसका नाम है सेरेटम। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है जी क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर हमारे पास जो इनके कॉमन नेम्स हैं दैट आर आल्सो कॉल्ड एज डायटॉम्स। डायटॉम्स में यूजुअली ये अक्सर ये देखा गया है यूनिसेलुलर भी हैं बट मेनली जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास किसी किस्म का जो है वो फ्लैजेला मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए जो है वो मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल ए है इनके पास, क्लोरोफिल सी है, कैरोटीन्स हैं और फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो है ये मौजूद हैं पड़े, जो कि इन्हें वेरियस कलर्स देते हैं, लाइक ऑरेंज टू रेड, रेड टू ऑरेंज कलर दे रहे होते हैं, और इससे ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास है डायटोमा और पिनोलेरिया, ये दो एग्जांपल्स हमारे पास इसमें मौजूद है। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज फाइकोफाइटा। फाइकोफाइटा जिसे हम आल्सो कॉल्ड एज ब्राउन एल्जी, हम ब्राउन एल्जी भी बुलाते हैं पड़े। तो ब्राउन एल्जी जो है ये मल्टी सेलुलर है ब्राउन एल्जी, इसके पास भी दो फ्लैजेला बेसिकली मौजूद होते हैं पड़े। यहाँ पे एक यूनिक चीज हमें देखने को मिलती है कि इसके ये जो दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं पड़े ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं पड़े, रिप्रोडक्टिव सेल्स इनके पास जो है ये मौजूद होते हैं पड़े दोनों फ्लैजेला।
ये फ्लैजेला रिप्रोडक्टिव सेल्स के पास मौजूद। ये जो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाएंगे जिनसे इन्होंने आगे रिप्रोडक्शन को जो है वो परफॉर्म करना है, उनके पास स्पेशली फ्लैजेला जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, जिसमें फाइटोफाइटा के अंदर यानी कि ब्राउन एनर्जी के अंदर इनके पास भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटेन्स, फ्रुक्टोज़ैंथेन जो है ये मौजूद है बड़ा। और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास जो है ये ऑर्गेनिज्म शामिल है फिकसाया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा जो है वो रेड एल्जी को हम कहते हैं। तो रेड एल्जी की अगर हम बात करें तो रेड एल्जी जो है वो यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। किसी किस्म का कोई लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए कोई किसी किस्म का स्ट्रक्चर इनके पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। इनमें क्लोरोफिल ए है पड़ा, कैरोटिन है पड़े और फाइकोएथ्रिन जो है ये पिगमेंट मौजूद है पड़ा। ये पिगमेंट इन्हें जो है हेल्पफुल रोल प्ले कर रहे होते हैं किस चीज के अंदर, स्पेशली फोटोसिंथेसिस में। और इनमें एग्जांपल जो है वो है हमारे पास कॉन्ट्रस। तो यहाँ पर आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर चीज सामने आती है, वो ये है कि फाइटोएरेथ्रिन जो है हमें देखने को मिलता है किसके पास, रेड एल्जी के पास। इसी तरह से ये जो फुकोज़ैंथेन पिगमेंट्स हैं ये हमें तीन चीजों के पास देखने को मिल रहे हैं, किनके पास, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा और फाइकोफाइटा, ठीक है। यानी कि डायनोफ्लैजेलेट्स के पास, डायटॉम्स के पास और ब्राउन एल्जी के पास हमें ये तीन डिफरेंट पिगमेंट्स जो है इससे डिफरेंट पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा देखें नाम इंडिकेट कर रहा है क्लोरोफिल की वजह से। दे आर कॉल्ड एज ग्रीन एल्जी, इन्हें हम ग्रीन एल्जी भी कहते हैं। और ग्रीन एल्जी जो है इसके पास ये यूनिसेलुलर भी है, क्लोनियल भी है और मल्टीसेलुलर भी है। हालांकि आपको ऊपर कहीं पे भी क्लोनियल जो है वो नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो इनमें ये है कि जो ग्रीन एल्जी है क्लोनियल भी है, क्लोनीज भी बना के जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। इसी तरह से मोस्ट ऑफ फ्लैजेला, इसके पास फ्लैजेला मौजूद है पड़े। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे हैव अ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। और इनमें हमारे पास एग्जांपल है क्लोरेला जो कि डिचेस वगैरह के अंदर पाया जाता है। और इस ये क्या करता है, ग्रीन कलर का जो है बेसिकली ग्रीन एल्जी है ये क्लोरेला। और इसको रिसेंटली जो है एज अ फूड स्टफ, एज अ प्रोटीन जो है स्टफ के तौर पर भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है कि इसको इन फ्यूचर बीइंग एज अ फूड भी यूज किया जाएगा। तो दिस वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।